बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाहौर रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ फिजान अहमद है। DHA लाहौर की फ़ाइल्स में सेल परचेज़ के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज हम आपके साथ 25 सितंबर 2023 के DHA लाहौर के करंट फाइल्स रेट्स डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मार्केट ट्रेंड एंड प्राइस फ्लक्चुएशन के हवाले से भी एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी। चलते हैं अपने टॉपिक की जाने। सबसे पहले हम आपके साथ प्राइसेस डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे DHA फेज़ 5 से। तो करंटली एम एक्सटेंशन 5 मल्ला एलोकेशन फाइल 70 लाख में अवेलेबल है, जबकि एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है। बात करें अगर हम एम एक्सटेंशन 10 मल्ला कैटेगरी की, तो करंटली एलोकेशन 1 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है, जबकि एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें 1 कनाल कैटेगरी को, करंटली 1 कनाल एलोकेशन फाइल 2 करोड़ 25 लाख में अवेलेबल है, जबकि एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब डिस्कस करेंगे DHA फेज 7 की फाइल्स को, तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 42 लाख 25 थाउजेंड, जबकि एलोकेशन 40 लाख 25 थाउजेंड में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे 7 मल्ला कैटेगरी, तो करंटली 7 मल्ला एलोकेशन 59 लाख में अवेलेबल है, जबकि एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है। बात कर लेते हैं 10 मल्ला कैटेगरी की, तो करंटली 10 मल्ला एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 8 लाख में अवेलेबल है, जबकि एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है। मूविंग ऑन, अब डिस्कस करेंगे 1 कनाल कैटेगरी को, तो करंटली 1 कनाल एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 75 लाख में अवेलेबल है, जबकि एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है। बात कर लेते हैं कमर्शियल कैटेगरी की, तो करंटली 4 मल्ला मुजा संगतपुर की फाइल 2 करोड़ 40 लाख में अवेलेबल है, जबकि मुजा करबाट की फाइल 2 करोड़ 25 लाख में अवेलेबल है। अब डिस्कस करेंगे फेज़ 8 IVY ग्रीन की फाइल्स को, तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 56 लाख 75 थाउजेंड, जबकि एलोकेशन 52 लाख में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे DHA 9 प्रिज्म की फाइल्स को, तो करंटली 5 मल्ला एलोकेशन फाइल 47 लाख में अवेलेबल है, जबकि एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी करंटली नहीं है। बात कर लेते हैं 10 मल्ला कैटेगरी की, तो करंटली 10 मल्ला एलोकेशन फाइल 93 लाख में अवेलेबल है, जबकि एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी करंटली नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे 1 कनाल कैटेगरी को, तो करंटली 1 कनाल एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 56 लाख में अवेलेबल है, जबकि एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है। बात करें अगर हम कमर्शियल कैटेगरी की, तो करंटली 4 मल्ला एलोकेशन फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एफिडेविट फाइल में प्राइसेस फ्लक्चुएशन की वजह से हम रेट कोट नहीं कर रहे। आप बेस्ट रेट के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं DHA फेज 10 की फाइल्स को, तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 30 लाख, जबकि एलोकेशन फाइल 29 लाख में अवेलेबल है। बात करें अगर हम 8 मल्ला कैटेगरी की, तो करंटली 8 मल्ला एफिडेविट फाइल 41 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फाइल की अवेलेबिलिटी करंटली नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे फेज 10 की 10 मल्ला कैटेगरी को, तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल 52 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन 49 लाख 25 थाउजेंड में अवेलेबल है। बात करें अगर हम 1 कनाल कैटेगरी की, तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फाइल 89 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन 83 लाख 75 थाउजेंड में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे फेज 10 कमर्शियल कैटेगरी को, तो करंटली 4 मल्ला एफिडेविट 1 करोड़ 50 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फाइल की करंटली अवेलेबिलिटी नहीं है। मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करेंगे DHA लाहौर फेज 13 की फाइल्स को, तो DHA फेज 13 में ओवरऑल 5 मल्ला 10 मल्ला और 1 कनाल में एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि 5 मल्ला 10 मल्ला और 1 कनाल एलोकेशन फाइल्स की अगर हम बात करें तो प्राइसेस फ्लक्चुएशन की वजह से इसमें भी जो है हम कोट नहीं कर रहे प्राइसेस। आप बेस्ट रेट के लिए हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। मूविंग ऑन, अब हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ DHA लाहौर फेज़ 9 टाउन की फाइल्स को, तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 55 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन 53 लाख में अवेलेबल है। बात करें अगर हम 10 मल्ला कैटेगरी की, तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल 1 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है, जबकि 10 मल्ला एलोकेशन फाइल की करंटली अवेलेबिलिटी नहीं है। बात कर लेते हैं कमर्शियल कैटेगरी की, तो करंटली 4 मल्ला एफिडेविट 2 करोड़ 45 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन 2 करोड़ 30 लाख में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे रबर सेक्टर 4 की फाइल्स को, तो करंटली 5 मल्ला एलोकेशन 45 लाख 50 थाउजेंड, जबकि एफिडेविट फाइल की करंटली अवेलेबिलिटी नहीं है। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें 4 मल्ला कमर्शियल कैटेगरी को, तो करंटली 4 मल्ला एफिडेविट 2 करोड़ 10 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है। जी व्यूअर्स, ये थे आज के करंट रेट्स।
प्राइसेस फ्लक्चुएशन को डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं हमें सैटरडे से अब तक प्राइसेस में क्या डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। तो स्टेबल कैटेगरीज में अगर हम देखें तो फेज 5, IVY ग्रीन और हर्बल सेक्टर 4, इनमें हमें किसी किस्म का डिफरेंस देखने को नहीं मिला, प्राइसेस स्टेबल रही हैं। डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर हम देखें तो फेज 7 की 5 मल्ला एफिडेविट, 9 प्रिज्म की 1 कनाल कैटेगरी, फेज 10 की 5 मल्ला कैटेगरी और 9 टाउन की 5 मल्ला कैटेगरी, इनमें हमें प्राइसेस में ड्रॉप देखने को मिला है। अपर ट्रेंड में अगर हम आपके साथ डिस्कस करें तो फेज 7 की 5 मल्ला एलोकेशन फाइल, 9 प्रिज्म की 5 मल्ला और 10 मल्ला रेजिडेंशियल कैटेगरी और साथ ही साथ फेज 10 की 10 मल्ला रेजिडेंशियल कैटेगरी, इनमें हमें प्राइसेस में एप्रिसिएशन देखने को मिली है। जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी फाइल से रिलेटेड वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। फर्दर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, बाइंग सेलिंग के लिए, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइमली मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।